स्कूल का पहला दिन याद है? नहीं, चलो याद करवाता हूँ। सबका लगभग एक जैसा होता है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। हर कोई जब पहली बार स्कूल आता है, यकीनन आंखों में आंसू लेकर आता है। हाँ, अगर कोई मुस्कुराता हुआ आता है तो कुछ दिन बाद वो भी रोने लग जाता है। दरअसल घर से अटैचमेंट्स, मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है। अरे, जबरदस्ती स्कूल भेज देती है, इतना भी नहीं सोचती कि हमें कितना बुरा लगता है। जब स्कूल जा रहे होते हैं, मुड़ मुड़ कर माँ को देखते हैं, मुझे नहीं जाना स्कूल, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर जबरदस्ती ही सही पर स्कूल तक आ जाते हैं। अच्छा, जब घर की याद आती है स्कूल जाकर, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीचर चुप करवाते हैं, मगर प्यार से नहीं, डरा कर, डांट कर, क्योंकि प्यार सिर्फ माँ दे सकती है। स्कूल तो हमें सुधारने के लिए भेजा जाता है, लाड़ प्यार बस घर तक रहता है, और ये देखकर और ज़्यादा रोना आता है। स्कूल के पहले ही दिन नहीं बल्कि काफ़ी क्लासेस तक यही होता है, मगर धीरे धीरे स्कूल हमारा दूसरा घर बन जाता है। वो ज़िंदगी का पहला दोस्त ज़्यादातर लोगों को स्कूल में ही मिलता है, और कब हम बड़े हो जाते हैं वक्त का कुछ पता नहीं लगता। पहले घर की खुशियाँ स्कूल आकर ख़त्म हो जाती थी, अब धीरे धीरे घर की टेंशन स्कूल के दोस्तों से मिलते ही ख़त्म हो जाती है। अब हमें आदत पड़ जाती है स्कूल आने की। हाँ, डर लगता है, मगर स्कूल से नहीं, स्कूल टीचर से, स्कूल होमवर्क से और क्लास टेस्ट से। मगर इस डर के होते हुए भी सुकून मिलता है दोस्तों की वजह से। कि वो दिन वो मस्ती अब याद आ रही है, उस वक्त कोई गम नहीं था अब जिंदगी सता रही है। कि वो दिन वो मस्ती अब याद आ रही है, उस वक्त कोई गम नहीं था अब जिंदगी सता रही है। और हम स्कूल की जिंदगी की अहमियत ना समझ सके, सच कहूं अब मास्टर की छड़ी भी याद आ रही है। स्कूल के सफर में आज आपको ले चलते हैं उस लंच टाइम में, जिसका स्कूल में हमें सुबह से इंतजार रहता था। ये इंतजार तब ज्यादा बेकरार करता था जब लंच टाइम आने को सिर्फ एक पीरियड बाकी रहता था। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने टाइम से ये पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा। बड़ी बेचैनी से इंतजार होता था लंच टाइम का, और जैसे ही बेल बजती थी चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती थी। मन करता था कब जैसे ये टीचर बाहर निकले और हम लंच टाइम को एंजॉय कर पाएं। वैसे कौन कौन लंच टाइम आने से पहले ही टिफिन खाली कर देता था, कमेंट में जरूर बताना। कभी कभार तो मैं भी ये करता था। क्लास टीचर सामने होते थे और चुपके से बेंच के नीचे झुककर लंच की एक बाइट ले लेता था। अपना लंच कितना ही टेस्टी हो, दोस्तों के बैग से लंच चुराने का मजा ही अलग था। और वो टाइम याद है जब एक टिफिन में चार चार हाथ होते थे, दूसरों का लंच हम खुद ही खत्म कर दिया करते थे। कभी कभी जब लंच लेकर नहीं आते थे तो हमारे जिगरी दोस्त काम आते थे। लंच टाइम सिर्फ लंच तक सीमित नहीं था, हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लंच टाइम में भी पढ़ते थे। वैसे जब लंच टाइम खत्म हो जाता था तो यार कितना बुरा सा लगता था। लंच टाइम के बाद पढ़ने का नहीं सिर्फ सोने का मन करता था। कभी मारपीट, कभी पढ़ाई, कभी खेलना और कभी स्कूल के चक्कर मारना, कभी जूनियर्स, कभी सीनियर्स और कभी कभी दोस्तों के साथ लंच टाइम गुजारना। हर वो मेमोरीज हमेशा हमारे दिल में रहेगी। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्ती, और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी, क्या दिन थे वो दिन भी, क्या दिन थे। पढ़ने भाई, वो जो सीनियर से ना स्कूल से निकले हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं हमेशा स्कूल लाइफ को मिस करने लगता हूँ यार। ए भाई, और सच बताऊं ना तो स्कूल लाइफ को नहीं, अपने स्कूल के ग्रुप को मिस करता हूँ, क्योंकि एक से एक हरामी लौंडे भरे हुए थे मेरे ग्रुप में। हमारे स्कूल वाले ना हमेशा एक हर साल हिटलिस्ट निकालते थे हरामी बच्चों, जिसमें फर्स्ट से लेकर सिक्स तक हम ही टॉप करते थे, क्योंकि छह दोस्त थे ना हमारे ग्रुप में, और वो लोग ये लिस्ट निकालते थे ताकि हमें शर्म आए और हम सुधरने की कोशिश करें, लेकिन हमें उल्टा प्राउड फील होता था। शर्मिंदगी तब होती थी जब उस लिस्ट में नाम ना हो। यार ऐसी भी क्या कमी रही है हमारे हरामपंती में। वो हाथ याद आते हैं।
कुछ लोग बहुत याद आते हैं, अनजाने राहों पे बेबस इरादों से दूर मुझे कोई ले जाएगा एक दिन वो जरूर आएगा। काश मुझे पहले पता होता कि बाद में मार्क्स से ज्यादा दोस्त याद आने वाले हैं, तो स्कूल में मैं थोड़ी मस्ती और कर लेता। काश मुझे पहले पता होता कि मजे ट्वेल्थ के बाद नहीं ट्वेल्थ तक ही होते हैं, तो मैं पढ़ाई को लेकर शायद उतना सीरियस नहीं होता। काश मुझे पहले पता होता कि अपने दोस्तों के साथ मैं टच खो देने वाला हूं, तो उस दिन मैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा कप चाय पी लेता। काश मुझे पहले पता होता कि उस दिन जो हम मिले थे वो आखिरी बार मिल रहे थे, तो मैं कुछ देर तुम्हें और गले से लगा के रखता। फेयरवेल इकलौता ऐसा दिन है जिस दिन जूनियर्स बड़ी खुशी खुशी अपने सीनियर्स को विदा करते, मगर ये बेचारे जूनियर से भूल जाते हैं कि इनके जाने के बाद घर का आंगन यानी कि हॉस्टल कितना सूना हो जाता है ना। वो दिन भी क्या दिन थे, ट्वेल्थ क्लास एक ऐसी क्लास थी जो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। एक तो ये स्कूल लाइफ का सबसे आखिरी पार्ट था और ऊपर से सबसे हसीन। बोर्ड्स का इतना सारा प्रेशर और फिर भी ढेर सारा एंजॉयमेंट, डर डर के स्कूल जाना और पढ़कर भी भूल जाना। जब बिना पढ़े क्लास टेस्ट देते थे ना, उफ, वो डर हमेशा हमारे दिल में रहेगा। और याद है वो मॉर्निंग असेंबली मिस करना, एक्स्ट्रा क्लासेस ना लगाने के बहाने तैयार करना, वो इरिटेशन जब लंच टाइम में भी पढ़ना पड़ता था, यार बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या कुछ करना पड़ता था। अच्छा जब हम एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते थे, दोस्तों की पेन की रिफिल चेंज कर लेते थे, रिसेस से पहले ही सबके टिफिन खाली हो जाते थे और पानी पीने के बहाने हम पूरा स्कूल घुमाते थे। और याद है वो दोस्तों की व्हाइट शर्ट पर पेन से ड्राइंग करना, जब टीचर्स क्लास में होते थे तो इशारों में बात करना, वो दोस्त जो वाटर बॉटल लाते थे उनसे ज्यादा पानी तो हम ही पी जाते थे। एक वाटर बॉटल पूरी क्लास में घूमती थी और पंखे के नीचे बैठने के लिए कितनी लड़ाइयां होती थी। सुबह सुबह आकर डेस्क चेंज करना और दोस्तों के बैग बेंचेस से बांध देना। वो फेयरवेल जो हंसते रोते निकल गई, उसकी यादें भी दिल में रह गई। खैर ट्वेल्थ क्लास सच में अमेजिंग थी यार। अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ये वीडियो क्या
मेट गाला, ऑस्कर्स, फिल्म फेयर, ये सब तो कुछ नहीं है भाई। असली ग्लैमर और ग्लिटर तो हमारे 12th के फेयरवेल में होता है। सारे लड़के काला कोट पैंट पहन के अपने आप को बानी स्टिंसन समझ रहे होते हैं, भूल जाते हैं हम कि एनुअल डे में घास बना करते थे। लड़कियां भी साड़ी पहन के अपने आप को कियारा आडवाणी से कम नहीं समझ रही होती, लेकिन वो लग भी रही होती है कियारा। एफर्ट दिख रहा होता है कि 3 मार्केट और 55 दुकानों में जाने के बाद ये साड़ी सिलेक्ट हुई है। लड़कों की तरह नहीं, एक कजन से शर्ट मांगी, दूसरे कजन से पैंट मांगी, पापा का कोट पहना, चल भी तैयार। लेकिन फेयरवेल का जो बेस्ट पार्ट होता है ना, वो होता है 11th वालों की परफॉर्मेंसेस, जिसमें सिर्फ आगे के 2 बच्चों को स्टेप्स आते हैं, लेकिन हूटिंग सबसे ज्यादा पीछे वालों के लिए हो रही होती है। बहुत दिनों के बाद स्कूल के सामने से गुजरा तो स्कूल ने पूछा, मुझसे तो बहुत परेशान था, अब बता जिंदगी का इम्तिहान कैसे चल रहा है। कुछ साल बाद यारा जे आवे याद यारा अखा ता पर नहीं वे आप वक्त हो जाना